तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट 21 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उस पर आपने काफी न्यूज सुन रहे होंगे, काफी अफवाह फैली हुई है और काफी जो है गरम मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे कि सीटेट का पेपर जो है लीक हो गया है, 21 जनवरी वाला पेपर लीक हो गया है। तो कितना सच है, कितना झूठ है और उससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उस सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है अब आगे क्या हो सकता है, आपके सीटेट का एग्जाम दोबारा होगा या नहीं होगा, आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, और अगर दोबारा हुआ तो किन लोगों का होगा या सबका ही दोबारा होगा, पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, सारे मुद्दों पे आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। क्या अगर इससे आपके भविष्य पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो कितना फर्क पड़ेगा इस पे भी मैं बात करूंगा, और आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है और आपको क्या करना चाहिए, जो जिनका पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए भी और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी। तो सारे मुद्दों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी नए बच्चे हैं भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके जो है काम आएगा, क्योंकि अगर आपका सीटेट पास हो जाता है, जो कि हो ही गया लगभग आपका, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितने बच्चों का हमारा सीटेट पास हो रहा है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो आपके अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, DSSB, KVS और सुपर टेट की और BPSC की। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी नए बच्चे हैं, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए चलिए मुद्दे पे बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूँ। एक बच्चे ने मेरे से बोला कल कमेंट किया था कि सर सीटेट के बाद लाइव नहीं आ रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो, सर शर्माइए मत लाइव आ जाइए। तो बेटा शर्माने की तो आपसे क्या ही बात है, तो लाइव आने की कोई वजह होती है। रही आंसर की बात, तो आंसर की पे भी अभी चर्चा कर लेंगे किस तरह से जो है आंसर की को देखना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं, तो मैंने कल एक पोल डाला था, देखो चैनल पे हमारे, ये हमारा चैनल है एस ए टीचर अकेडमी। तो कल मैंने एक पोल डाला था कि पेपर कैसा हुआ आप लोगों का, तो हालांकि जिन्होंने उस पर क्लिक किया है उनको तो पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे मैंने ये डाला था कि कैसा हुआ पेपर आपका, तो यहाँ पे 17,000 लोगों ने वोट किया इस पे, 17K देख सकते हैं आप, 17,000 अभी और आएंगे इस पे क्योंकि सब लोगों को धीरे धीरे दिखता है, ये सब लोगों के सामने आया नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो मैंने डाला था बढ़िया, बहुत बढ़िया, एवरेज, खराब गया, कैसा आपका पेपर गया है। तो 14% बच्चों का बहुत बढ़िया गया है, मतलब बढ़िया गया है। 11% बच्चे बहुत बढ़िया वाले हैं, बहुत बढ़िया है तो 120 से ऊपर के तो होंगे, 130 के ऊपर के होंगे बहुत बढ़िया वाले बच्चे, 11% बच्चे। 61% बच्चे हमारे एवरेज के हैं, जो 90-100 से 110 के बीच में होंगे, 90 से 110 के बीच वाले एवरेज में है। जो लोग कह रहे हैं खराब गया है, 14% बच्चे हैं केवल जो कह रहे हैं कि खराब गया है। अब ये हो सकता है कि एवरेज पे टंग रहे हो, मतलब 90 से नीचे जा रहे हो, या हो सकता है ये जो है इन्हें लग रहा हो कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो अगर मैं इस एवरेज को देखते हुए बात करें तो हमारे 86% बच्चे हमारे चैनल के पास हो रहे हैं। तो जो मैंने आप लोगों से वादा किया था, तो जबरदस्त, मतलब देख के खुशी हो रही है, आप लोगों को भी खुशी हो रही होगी। तो हमारी मेहनत तो रंग लाई है भाई, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए थे उनमें से 86% बच्चे पास हो रहे हैं, और 86% रिजल्ट देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें अब और एक मैं बात बताऊं तो ये 14% बच्चे वो हो सकते हैं जिन्होंने एक या दो दिन पहले, क्योंकि लास्ट के दो दिन में ही बहुत सारे बच्चे ऐड हुए हैं हमारे चैनल के साथ में, लास्ट के दो दिन में आप ऐड हो रहे हो तो उसकी क्या ही गारंटी होगी, बस आपके लिए हेल्प हो सकती है, थोड़ी बहुत वीडियो आपने देखी होगी, गारंटी तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो बच्चे हो सकते हैं, तो कुल मिला के हमें तो ऐसा लग रहा है हमारे सारे बच्चे पास हो गए है ना। यहाँ पे अगर इस रिजल्ट को मैं देख पा रहा हूँ, 86% बच्चे जब कह रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा हो रहा है, तो मतलब सभी पास हो गए एक तरह से। तो भाई अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, हालांकि जो नए बच्चे हैं सीटेट के, तो सीटेट का नया बैच भी जल्दी जो है स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनकी भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी सीटेट के नए बच्चे हैं भाई, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, आपका भी सीटेट आपका पास करवा देंगे जुलाई वाला, टेंशन की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो हमारा मेन है इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखो सबसे पहली बात यह है आपका कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो भाई देखो पेपर तो लीक हुआ है, ये तो आपको बहुत जगह से अब तक पता चल गया होगा, और पेपर लीक अगर नहीं होता इतनी बड़ी बात नहीं फैलती, मगर वो कहते हैं ना कि अगर धुआं उठा है तो कहीं तो आग लगी होगी, अगर आसमान में धुआं दिख रहा है तो कहीं तो आग लगी होगी, अब बिना आग के धुआं नहीं उठता। तो अगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चल रहा है चर्चे में, तो पेपर तो लीक हुआ है, हालांकि सब जगह नहीं हुआ, सब जगह नहीं हुआ, यूपी में एक दो सेंटर पे, बिहार में एक दो सेंटर पे, कुछ जगहों पे लीक हुआ है, सब जगह नहीं हुआ। दिल्ली में कोई खबर नहीं है, दिल्ली के किसी भी सेंटर में जरा सी भी झलक नहीं है कि कहीं पे पेपर लीक हुआ, और भी कहीं नहीं हुआ। तो अगर बात करें पेपर लीक हुआ है तो हाँ यस पेपर लीक हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी लेवल पे नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं हुआ, बहुत छोटे लेवल पे हुआ है, कुछ ही सेंटर्स में हुआ है। अभी बात करेंगे आगे कि इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला, क्या पेपर कैंसिल होगा आपका। तो बेटा पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ऑफिशियली तो कोई न्यूज नहीं है, CBSE ने अभी कोई बात नहीं बोली है,
तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कैंसिल होगा, एग्जाम दोबारा होगा, तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि कैंसिल होगा ही नहीं और आपका पेपर दोबारा होगा ही नहीं। अब यहाँ पे अगर हुआ तो किन लोगों का होगा? केवल उन सेंटर्स का होगा जहां पर सबूत मिल जाएंगे कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ था। किसी के मुंह से कहने से, किसी के व्हाट्सएप मैसेजेस से कोई भी ये बड़े सबूत नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज भी अपने आप में एक पुख्ता सबूत नहीं माना जाता कि व्हाट्सएप मैसेज किसी ने दिखा दिया कि जी ये देखो पेपर लीक हुआ था। ये कोई बड़ा न्यूज नहीं होता, कोई बड़ी खबर नहीं होती। तो इससे कभी भी सीबीएसई अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमारा पेपर लीक हुआ है। और रही बात पास्ट की, अगर हम बात करें तो आज तक कई बार ऐसी अफवाहें आई हैं। अभी पिछले वाले सीटेट में जो 20 अगस्त 2023 को पेपर हुआ है, उसमें आपका बिहार में फुल, मतलब मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसी खबरें सुनने में आई हैं कि जबरदस्त जो है कॉपी चली है। हालांकि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये जो न्यूज फैली हुई थी उससे के बेस पे कह रहा हूँ, कभी मुझसे कहने लगो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तो ऐसा हुआ है, और भी जगह होता है। और उसमें आपके रिजल्ट जब आए तो वहां पे आप लोगों ने, कई लोगों ने मेरे पास भी भेजा था, किसी के सेकंड फर्स्ट पेपर में तो आ रखे 123 नंबर, 125 नंबर, और सेकंड पेपर में 55 नंबर, 35 नंबर, 60 नंबर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चे के सेकंड पेपर में केवल 60 नंबर हो या 40 नंबर हो और फर्स्ट पेपर में उसके 125 और 130 नंबर आ जाए? ऐसा पॉसिबल है नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर में आप 130 नंबर ला रहे हैं तो अगर सेकंड पेपर में आपने पढ़ाई नहीं भी की होगी तो भी 100 से ऊपर नंबर लेके आओगे, क्योंकि तीन सब्जेक्ट कॉमन है, SST की पैडागोजी कॉमन है, तो कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। तो वो चीज आपकी नकल आधारित है, वो दिख रही है साफ सुथरी। तो क्या तब सीबीएसई ने मान लिया कि नकल हुई है? कभी नहीं माना सीबीएसई ने, आज तक कभी नहीं माना कि उसके पेपर में नकल हुई है। आज तक की हिस्ट्री में कभी भी सीटेट का पेपर दोबारा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ दोबारा पेपर। तो अगर हुआ तो सिर्फ उन सेंटर्स का होगा जहां पे पकड़ा जाएगा आपका, ठीक है, सिर्फ उन सेंटर्स का होगा जहां पे नकल हुई है। अब इससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये एग्जाम कैंसिल होने का आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और ना होने का आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को समझते हैं। अब रिजल्ट आपका आएगा नहीं आएगा, चलो इस पे अभी बाद में आते हैं, पहले इसे ही क्लियर कर लेते हैं। देखो इस पे आपका रिजल्ट जो है वो तो आ जाएगा, मतलब जिन लोगों का पेपर अब हो गया है उनका रिजल्ट तो आ जाएगा, इसी बेस पे आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो, तो वो लोग चाह रहे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, वो लोग चाहेंगे कि हमें एक मौका और मिल जाए। तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, अगर 2-4 दिन का टाइम आपको मिल भी गया तो जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की या बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो 2-3 दिन में क्या ही पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पहली बात तो ये पेपर आपका सबका नहीं होने वाला, बहुत कम। और सीबीएसई अपनी तरफ से कोई नोटिस देगा ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो हाँ और ना, ना कभी नहीं देगा वो। सीबीएसई बोलता ही नहीं है इस मुद्दे पे, वो चुप ही रहता है। आज तक कभी मैंने देखा ही नहीं कि सीबीएसई की वेबसाइट पे कोई ऐसा नोटिस आया हो कि उसने कह दिया हो कि ऐसा हुआ है या ऐसा नहीं हुआ है। ये नोटिस कभी भी सीबीएसई अपनी तरफ से नहीं देने वाला, हालांकि न्यूज़पेपर में अगर छपा दे तो वो बात अलग है, न्यूज व्यूज के चक्कर से आ जाए। सीबीएसई कभी भी ऑफिशियली अपनी जबान से कभी नहीं बोलता कि हमारा पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी खबर नहीं आती। तो और अगर आनी होती ना, देखो तो आज का आज भी आ सकती थी, क्योंकि आज संडे नहीं है मेरे ख्याल से, आज तो मंडे है, तो मंडे में आपका जो है खबर आ जानी चाहिए थी। मंडे में कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं होना। अब आगे बात करते हैं, फिलहाल आगे आपको क्या करना है और इससे आपके फ्यूचर पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो अब इससे आपके फ्यूचर पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी बात सबसे मुद्दा है। तो अगर कुछ बच्चों का नकल हो गई है, कुछ बच्चों ने नकल कर लिया, पहली बात तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा इसका? तो आपके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जितने नंबर आपके आने थे उतने ही आ रहे हैं, उतने ही आएंगे, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो देखो ये कोई ऑफलाइन पेपर लीक नहीं हुआ है, व्हाट्सएप के जरिए से ही होता है, जो भी आज का जमाना डिजिटल है, व्हाट्सएप पे ही हमने जो खबर सुनी है वो यही है कि तो पीडीएफ के या फोटोज के माध्यम से लीक हुआ है। तो आपके सामने तो कोई लीक नहीं हुआ और आपके कमरे में कोई नहीं आया पेपर लेके कि आपके कमरे में घुस गया, लो जी ये नकल कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं है, आपने अपना पूरी कॉपी आपके सामने आई, वो मार्क शीट भरी और दे करके आप घर आ गए, घर आने के बाद पता चल रहा है आपको कि पेपर लीक हुआ है, उससे पहले पता भी नहीं था। तो आपके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपका रिजल्ट तो जैसा आना था, जैसी आपकी तैयारी थी, जैसा आपने पेपर दिया वैसे आपके नंबर आ जाएंगे। अगर आपको पास होना होगा तो आप पास हो गए, फेल होना होगा तो आप फेल हो गए, उससे आपके ऊपर बिल्कुल भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आपके फ्यूचर पे और उन बच्चों के फ्यूचर पे जो पास हो रहे हैं। कैसे पड़ेगा? जब आपकी वैकेंसीज आएंगी, अब जैसे मान लीजिए DSSB की वैकेंसी आती है या सुपर टेट की या आपके बिहार BPSC की वैकेंसी आती है, तो अब उसमें जो अप्लाई करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ फर्क पड़ेगा कि उनमें संख्या बढ़ जाएगी। अगर 2 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे थे किसी चीज के लिए तो अब 2,20,000 बच्चे अप्लाई करेंगे, तो इतना फर्क तो पड़ेगा। मान लीजिए DSSB PRT की वैकेंसी आती है या जूनियर की आती है जिसकी भी,
तो अगर बच्चे 2 लाख यहाँ पे अप्लाई करने वाले थे इस बार, तो आप करेंगे 2.2 लाख्स या 2.3 लाख्स या हो सकता है 2.5 लाख्स। हालांकि इतने बड़े नकल होती नहीं है कि 20-50 हजार बच्चे पास हो जाएं, इतनी बड़ी नकल नहीं होती, छोटे मोटे सेंटर्स पे होती है। एक सेंटर्स में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे होंगे, एक सेंटर्स पे 500 बच्चे होते हैं, इससे ज्यादा बच्चे होते नहीं है, 500 नहीं होंगे, 700 होंगे, बस इतना हो जाएगा। तो इससे ज्यादा बहुत बड़े सेंटरों पर इतनी होती नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मान लो अगर 10 सेंटर पे भी नकल हुई है, तो तुम्हारे 5,000 बच्चे पास हो जाएंगे या 7,000, 10,000। तो 10-5 हजार अगर बच्चे पास हो जाते हैं, तो उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सीटेट में ऑलरेडी अभी तक के पास हुए हुए बच्चों की अगर संख्या देखें, तो कम से कम 30-40 लाख बच्चे हैं पूरे देश में, 30-40 लाख से भी ज्यादा ही है जो सीटेट और अपना स्टेट वाला टेट पास किए हुए बैठे हैं वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो आपके ऊपर कोई ज्यादा पॉइंटों में भी फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई इससे ज्यादा बड़ी चिंता की बात है नहीं कि आपके ऊपर कोई भविष्य पे कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे अगर हो भी गया, मान लो आपके ये जो बच्चे आपके बड़े बड़े हैं, तो इनसे मेरिट पे फर्क पड़ेगा, आपको लगता है कि मेरिट पे फर्क पड़ेगा? अरे जो बच्चा सीटेट नकल से पास कर रहा है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे कॉम्पिटिशन पे है? आप लोगों ने इतनी बढ़िया तैयारी की, सीटेट बहुत अच्छे से पास किया है, एक बच्चा है जो नकल करके सीटेट पास आ रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती सीटेट क्या होता है, सीटेट में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो मैं लगता है वो तुम्हारे लिए कंपटीशन बन जाएगा फ्यूचर में? अरे हटाओ भी, अब ये चीजें कोई कॉम्पिटिशन नहीं बनने वाला, वो इतनी तैयारी कर लेगा आपके लेवल पे आ जाएगा, पहले उसको उतनी तैयारी करने में 6 महीने निकल जाएंगे, 6 महीने में आप कहाँ पहुंचोगे मेरिट में, बहुत ऊपर पहुंचोगे। तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब रही बात ये कि अब अगर ऐसे सीबीएसई के एग्जाम में नकल हो सकती है, तो फिर नकल तो बड़े एग्जाम में भी हो सकती है, यहाँ पे भी सवाल उठ सकता है। तो सीबीएसई के एग्जाम में अगर नकल हो रही है सीटेट लेवल पे, तो देखो दिल्ली में नहीं हुई है, दिल्ली में नकल नहीं हुई है, इसका मतलब डीएसएसबी में नकल होने का कोई चांस नहीं होता। भाई हमने भी डीएसएसबी का एग्जाम दिया है, डीएसएसबी में इतनी सख्ती होती है ना कि आप फुल बाजू पहन के भी अंदर नहीं घुस सकते, जूते पहन के अंदर नहीं घुस सकते, आपको चप्पल पहना के अंदर पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं सेंटर में। अगर जूते पहन के गए तो जूते निकलवा देते हैं, नंगे पांव पेपर दोगे आप अंदर जाके, और 10-10 इनविजिलेटर होते हैं वहां पे, एक हॉल में 10। तो मतलब, और ऑनलाइन पेपर होता है डीएसएसबी, कोई फर्क मतलब नकल होने का चांस नहीं है, डीएसएसबी में नकल नहीं होती है, अभी तक तो कभी नहीं हुई है, तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब रही बात के स्टेट लेवल पे, तो ये जो एग्जाम था ये सीटेट का था, स्टेट लेवल के एग्जाम पे भी नकल नहीं होती, अगर होगी तो स्टेट लेवल का एग्जाम तो दोबारा हो जाता है भाई, वो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, और वो एग्जाम आपका दोबारा हो जाता है, स्टेट लेवल पे कभी भी नहीं रुकेगा एग्जाम आपका, ऐसे कि नकल हो गई हो और रिजल्ट दे दिया हो, उसमें आपका दोबारा हो जाता है एग्जाम। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हालांकि इस पे आवाज उठाई जाएगी, और मुझे लगता नहीं कि आवाज उठाने का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके सबूत नहीं मिल पाए हैं, इसलिए सबूत नहीं मिल पाए हैं, पुख्ता सबूत इसके मिल नहीं रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सिर्फ सीबीएसई तक पहुंचाई जा सकती है, अगर किसी को मिलेंगे सबूत तो देखते हैं, हमें मिलेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे, बाकी अभी तक कोई ऐसे के वाले सबूत नहीं है। तो अब ऑफलाइन पेपर में, अगर ऑफलाइन तरीके से पहले नकल हुआ करती थी कि कोई पेपर लेके उसके ऊपर लेके कमरे में घुस जाता था या स्कूल में घुस जाता था और उस पर रेड पड़ जाए, तो वहां पे असली पकड़ वो उसको कहते थे हम। अब व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज कर दिया, उसको असली पकड़ कैसे कह दोगे? व्हाट्सएप पे भी होती है, लेकिन उसमें बहुत सीबीआई वाली जांच होगी, तब जाके अंदर इतना कुछ होगा, लेकिन इतनी बड़े मुद्दा है ही नहीं कि इतनी बड़ी चीजें हो जाए। तो फिलहाल आपके फ्यूचर पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, जिन लोगों ने भी अपना सीटेट को दे दिया है तो वो अपना रिजल्ट का इंतजार करो, रिजल्ट आपका आ जाएगा और आंसर की आपकी जल्दी आ जाएगी, आंसर की भी। तो फिर आप जो है, अब आपको आगे क्या करना है, तो आप ये करो भैया कि अब आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। अगर आपने जो है, आपको लग रहा है सीटेट में आपका अच्छा रिजल्ट जा रहा है, कि आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, पास हो रहे हैं आप, तो आप अपना नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर दो, डीएसएसबी केवीएस की और सुपर टेट की। देखो कॉमन सब्जेक्ट सबके एक जैसे ही है, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, कॉमन हिंदी तो हिंदी रहेगी, चाहे आपका बीपीएससी में हो, चाहे सुपर टेट में हो, चाहे केवीएस का, हिंदी में कोई अंतर नहीं आता, चाहे आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लो। मेरा अपना अनुभव है कि अगर आपने हिंदी ग्रामर को आपने बेसिक से पढ़ा है, तो सारे एग्जाम्स आपके एक ही क्लास से फिनिश हो जाते हैं। मैथ आपका सेम ही है, मैथ थोड़ा बदल जाएगा, मैथ कहीं कुछ भी नहीं बदलेगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दो। सिर्फ बदलता है तो सिर्फ आपका जीके बदलता है, हल्का फुल्का सा ईवीएस, क्योंकि उसमें स्टेट लेवल का ईवीएस थोड़ा सा कंबाइंड कर दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं बदलता। बाकी सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा नहीं बदलते किसी भी एग्जाम को लेकर के, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो सारे एग्जाम से एक बार में भी उड़ा सकते हो। तो तैयारी हम कराएंगे आपको, मैं अभी कुछ ही दिन में तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर आपके सीटेट का भी नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम अभी कुछ ही दिन में,
तो जितने भी नए बच्चे हैं जो अब सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी जो नए एग्जाम्स की तैयारी करेंगे वैकेंसीज की वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी और डाउट होगा या कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।